ये ऐसे बंदों को, जो भी बंदे अभी आ रहे हैं ना फिजिकल के लिए, नौकरी बोल रहे हैं, हमारे नौकरी है, ये देखो कितना, नौकरी का मतलब है कि आपका पैर टेढ़ा होना, कोई यहाँ तक आ जाएगा, ये यूं। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों एक बार फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारे बंदों के, जितने भी हम मेडिकल के वीडियो डालते हैं उसमें से कमेंट आ रहे थे कि सर नौकनी कैसे चेक होता है, और नौकनी जो होता है वो किस तरह चेक होता है और किस तरह होगा तो फिट होगा। आइए सिर्फ नौकनी का वीडियो दिखाता हूँ, और इसमें से बहुत सारे बंदों को एक जानकारी मिलेगी, अनुभव मिलेगा कि हमको किस तरह खड़ा होना है, ठीक है। उसके मैं आपको जो मेडिकल में अनफिट होते हैं उस तरह बताऊँगा कि कैसे अनफिट हो सकते हैं, आपके खड़े होने के तरीके से भी आप फिट हो सकते हैं और अनफिट हो सकते हैं। तो ये आपको मेडिकल फिट होने के लिए वीडियो देखना ही पड़ेगा, नहीं देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि अगर आप मेरे कोई भी मेडिकल का वीडियो देखते हो, एक्सपीरियंस वाले मेडिकल बनाता हूं, वीडियो बनाता हूं मैं, एक्चुअली मैं खुद 5 से 6 बार मेडिकल दे चुका हूं, और जो हमारे यहाँ पे रिटायर जो मेडिकल के जो इंडियन आर्मी के जो भी जवान है वो भी आते हैं, वो हमको सारी चीज़ें बताते हैं। एक तो हमें अनुभव भी है कि कैसे मेडिकल होता है, कैसे चेक होता है, क्योंकि हमने 5 से 6 बार अपना मेडिकल इंडियन आर्मी भी दे चुके हैं, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि हम क्यों चेक कर रहे हैं, आपको ये समझना है, आप रियलिटी में मेरा वीडियो देखने के बाद आप मेडिकल कराएंगे फिर मेरे को बताएंगे कि हमारा रियल में सर आप सही बता रहे थे कि इस तरह का मेडिकल चेक होता है। कोई हवा में नहीं मार रहे हैं, कोई ऐसे थोड़ी आ गए हैं कि हम ऐसे भी दूसरों का मेडिकल देख के बनाने लगे वीडियो, नहीं, हम जब हमें नॉलेज है एक्सपीरियंस है तभी बनाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़, आओ थोड़ा पास लो, पैर जोड़ लो, सभी पैर जोड़ दो, पूरे पैर जोड़ दो, ठीक है, अंगूठा। नौकनी दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ नौकनी किस तरह की होती है। देखो ऐसा है, नौकनी बोलते किसको है, देखो दोनों पैरों का, दोनों पैरों के बीच की जो दूरी होती है, जो गैप होता है, अगर वो गैप नहीं है तो नौकनी है, और अगर गैप है तो नौकनी नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा गैप है तब भी नौकनी है, और कम गैप है तब भी नौकनी है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले आपको दिखा दूं कि बंदा फिट कैसा होता है। एक बार इधर दिखाना क्लोज बिल्कुल, अभी देखो इस बंदे को बिल्कुल से भी अनफिट नहीं कर सकते हैं डॉक्टर, जो मेरा अनुभव है, जो हमने मेडिकल में दिया है, क्योंकि यहाँ पर जितना गैप चाहिए इंडियन आर्मी को, जितना मेडिकल में चाहिए उतना गैप यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। एक चीज़ और पैरों का ही नौकनी में, एक चीज़ जब आप कभी कभी क्या होता है, अभी ये जोड़ना भी चाहेगा तो जोड़ के खड़ा हो जाएगा, सही खड़े होने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये खड़ा होने जैसे जोड़ के खड़ा होगा, जोड़ के पूरा खड़ा हो जाओ, अब ले नौकनी है इसका, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी आप बिल्कुल फिट, बिल्कुल वही तरीका होगा जो खड़ा होने का तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है, यहाँ पर गैप है, अगर आप जोड़ना चाहोगे तो जिसको भी नौकनी होगी, नहीं भी होगी उसको भी हो जाएगी, अगर आप सही तरीके से नहीं खड़े होते। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखो कि जब आप खड़े होंगे कभी भी मेडिकल में, आप जब खड़े होते हो तो आपके इन दोनों पैरों को जोड़ लेना है, इसको जोड़ देना है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पे गैप हो, ये वाला पैर बिल्कुल पीछे नहीं जाना चाहिए, अगर पीछे चला गया तब भी अनफिट हो सकते हो। एक चीज़ बैठ जा नीचे, बैठ जाओ, लेट जा नीचे, पूरा लेट जा, ठीक है। एक चीज़ अभी आपके पैरों पे लूजपन, अगर ये लूजपन भी होगा ना, ये लूजपन, यहाँ से ज़्यादा पैर हिल रहा है, ये वाला पूरा यूं यूं हो रहा है तब भी, क्योंकि ये वाला पीछे पैर जाएगा, ये वाला ये पीछे की तरफ चला जाएगा तब भी आपको अनफिट कर देंगे, क्योंकि नौकनी तो है, पैर टेढ़ा है भाई, नौकनी का मतलब है कि आपका पैर टेढ़ा होना, खड़ा हो जाओ, ठीक, पैर जोड़ रहे, फिट है। अभी देखो ये वाली जो नौकनी है ना, हल्का इसका गैप है, अभी ये सही से खड़ा नहीं हो रहा, ठीक है, सही से खड़ा हो बेटा, ठीक, ज़्यादा गैप भी अभी ये सही है, देखो एक्चुअली में गैप भी है, उसका एक सीमा होती है। अभी क्या होगा, अगर यहाँ पे ज़्यादा गैप है तो ये वाला एंगल बाहर की तरफ भगेगा, ठीक है, ये बाहर की तरफ भगेगा तब आप अनफिट हो गए, अभी इतने गैप पे सोचे कि हम ज़्यादा गैप है तो अनफिट हो रहा, नहीं, ये वाला हिस्सा इधर को भगेगा, और ये वाला जो हिस्सा पीछे घूमना, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, ये और बाहर को यहाँ तक आ जाएगा, ये यूँ, यानी ये बाहर को निकल जाएगा तब आप अनफिट होंगे, ये बराबर है, यहाँ के शेप से देखा जाएगा आपका पैर बिल्कुल बराबर है, ठीक है, खड़ा हो जाए बिल्कुल सीधा, ये फिट है बिल्कुल, ये भी सही है, ये बिल्कुल देखो नॉर्मल बिल्कुल फिट बंदा इस तरह का पूरा जुड़ा हुआ है ये बिल्कुल। अभी एक चीज़ बता दूँ, किसी किसी बंदे का क्या होता है ना, दे दो पैर खोलना थोड़ा हल्का सा बेटा, अभी किसी किसी बंदे का ये वाला मांस बड़ा होता है, ठीक है, अभी जब ये मांस खत्म हो जाएगा तो और गैप हो जाएगा, ये हड्डी टेढ़ी नहीं है, क्योंकि देखो आप पैर को देख सकते हो ना, ये पूरा सेप बिल्कुल पैर का, ठीक, डाउट में नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग डाउट में नहीं रहो, मैं एक छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये मांस बड़ा होगा किसी किसी बंदे का तो आप अनफिट हो सकते हो,
नहीं बड़ा है तो नहीं, अगर जिसका मांस नहीं है हड्डी ज़्यादा जुड़ रहे हैं तो उनको नौकनी है। वो कैसा है वो आप दिखा रहा हूँ मैं, पेट जुड़ो। हाँ फिट है, फिट फिट। पीछे को ज़्यादा पैर मत करिए, आराम से रखिए। कैसे कर रहे हैं, सीधे खड़ा होइए। हाँ पैर जोड़ो, पैर जोड़ो, ठीक। ये जैसे इतना मांस, ये देखो मोटा है, बड़ा हुआ है। हड्डी कहाँ पर, ये देखो ये घुटना कहाँ पर है, मांस कितना बड़ा हुआ है ये। अब ये जुड़ रहा है, इसमें नौकनी मान लोगे कि नौकनी और ये पैर जुड़ रहे हैं, है ना। ये देखो पूरा मांस बड़ा हुआ है, ठीक। पैर ज़्यादा ज़्यादा पीछे को नहीं करेंगे, नहीं अनफिट हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा पैर पीछे को मत करिए, नॉर्मल खड़े होइए, आपको नौकनी नहीं है, ठीक है। ये देखो मांस, ये पूरा है ना, ये बढ़ा हुआ है। हड्डी कहाँ है इनकी, हड्डी देखो कहाँ है, ये कि पूरा पूरा मांस जुड़ रहा है। अभी देखो, देखना, चिपकाओ, पूरा चिपकाओ, ये देखो है कि नहीं, ये होता है। फिट है, पैर जोड़ के रखना, हाँ गैप करना, हाँ ये फिट है, फिट है, फिट। पैर खोलो थोड़ा, ये ऐसे बंदों को, जो भी बंदे अभी आ रहे हैं ना फिजिकल के लिए, नौकनी बोल रहे हैं, हमारे नौकनी है, ये देखो कितना मांस बड़ा हुआ। इस फैट को कम करिए ना, आपका नौकनी नहीं होगा, आपका घुटना टेढ़ा। आपने देखा अभी क्या है कि डॉक्टर जब आप चेक कराएंगे ना डिफेंस में मेडिकल, डॉक्टर से बाहर से देख के आपको पैर जुड़वा देगा, बाहर से देखता वो इस तरह चला जाएगा और जिसका भी डाउट होगा उसको नीचे लटाएगा और हाथ से पकड़ के चेक कर लेगा, अगर होगा तो लिख देगा, नहीं तो ऐसे चेक कर लेगा। मैंने सिर्फ आपको बिल्कुल क्लियरली समझाने के लिए यहाँ पर चेक करके बताया। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।